तो वही जयपुर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी अनूठी सफलता हाथ लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर की ओर से जयपुर ग्रामीण पुलिस को ब्लू टैग मिला है। ये ब्लू टैग पुलिस को एक साल की सत्यता पर आधारित की जाने वाली पोस्ट और खबरों को अपडेटेशन को लेकर मिला। ऐसा पहली बार हुआ कि जब पूरे राजस्थान में सिर्फ एकमात्र जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट को ट्विटर की ओर से वेरीफाई करते हुए ब्लू टैग हासिल हुआ है। ब्लू टैग हासिल करने में जयपुर ग्रामीण पुलिस की सोशल मीडिया टीम में साइबर सेल प्रभारी रतनदीप और कांस्टेबल देशराज की अनूठी भूमिका रही। आखिर क्या है ये ब्लू टैग और कैसे ग्रामीण पुलिस को मिला है, जानिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा से। खबरों के लिहाज से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है और इसी का नतीजा ये है कि तमाम जो राजस्थान पुलिस के जो तमाम SP हैं, IG हैं, सभी जो लोग हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। गृह विभाग ने भी इसके लिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, तमाम SP या जिला रेंज के जो अधिकारी, उनको आदेश जारी किए हैं और इसी के चलते राजस्थान पुलिस के तमाम जिलों के अपने अपने सोशल मीडिया पर पेज बने हुए हैं। इन पेजों के माध्यम से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अपने ज़िले के अंदर होने वाली तमाम जो कार्रवाई है उनको सोशल मीडिया के अपने जो ट्विटर अकाउंट है, चाहे फेसबुक अकाउंट है, उसके जरिए लगातार पब्लिश करती है। खास बात यह है कि इसी कड़ी के अंदर सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहने वाला जो पेज है वो है जयपुर का रूरल पेज, और जिसको यहाँ पर सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है वो है ट्विटर की ओर से ब्लू टैग मिलना। ब्लू टैग वो है जिसके जरिए यहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि कौन सा पेज सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ या अफवाह फैलाने वाली जो न्यूज़ है वो प्रसारित नहीं की गई है, और इसी के चलते ये ब्लू टैग उसी पेज को मिलता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर योगदान रहा है वो है जयपुर ग्रामीण पुलिस के जो साइबर सेल के जो प्रभारी हैं रतनदीप जी, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मेहनत से, और इसके अलावा देशराज हैं जो कांस्टेबल हैं, उनकी इस मेहनत से यहाँ पर ये ब्लू टैग है जो जयपुर ग्रामीण पुलिस को मिला है और एक अनूठी जो कामयाबी है ये हासिल हुई है। इसी को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हैं रतनदीप हैं जो साइबर सेल के प्रभारी हैं। रतनदीप जी, सबसे पहले बताएंगे किस तरह का ब्लू टैग है और ये कैसे मिला है अपने को, किस तरह का पेज है आप बताएंगे? जी एकदम। सर्वप्रथम मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे श्रीमान SP साहब श्री शंकर दत्त जी द्वारा एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया टीम की फॉर्मेशन की गई, और इस टीम का पूरा एक पर्टिकुलर एक वर्क डिसाइड किया गया कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत माइन्यूटली नज़र रखना, किसी प्रकार की कोई खबर है या किसी प्रकार की कोई न्यूज़ है उस न्यूज़ के बारे में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताना, और इसके संबंध में यदि कोई फेक न्यूज़ है तो उसके बाबत जो विधि सम्मत कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई बाबत इसको आगे हम लोग अग्रेषित करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारा जो ट्विटर अकाउंट है इसको हम लोग 24/7 उस डेडिकेटेड टीम द्वारा देखा जाता है और वॉच किया जाता है, और इस टीम के द्वारा इस पर आने वाली प्रत्येक पोस्ट, प्रत्येक कमेंट्स को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है, और बारीकी से देखने के बाद इसका विश्लेषण किया जाता है कि ये किस से संबंधित है और किस परिप्रेक्ष्य के अंदर है। इसी क्रम में ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म ने हमारी जिला जयपुर ग्रामीण पुलिस की इतनी जो सेंसिटिविटी है इसके रिगार्डिंग, इस अकाउंट्स के रिगार्डिंग, और जो खबरों को हम इतनी माइन्यूटली वॉच करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके यहाँ पे उन्होंने गत एक साल तक हमारे इस अकाउंट को वॉच किया, और वॉच करने के बाद आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा साहब के जो निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में जो ये टीम बनी थी सोशल मीडिया, उसको आज ये सफलता हासिल हुई है कि ट्विटर ने इसको ब्लू टैग दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जयपुर रूरल पुलिस को ये एक ब्लू टैग दिया गया है, ये एक वेरीफाइड साइन होता है जो कि ऑथेंटिसिटी बताता है कि ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जयपुर रूरल पुलिस का एक ट्रस्टेड अकाउंट है जिसके ऊपर आमजन अपनी कोई भी समस्या हो, अपनी कोई प्रतिक्रिया हो या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन निर्विघ्न और निर्भय होकर इसके ऊपर पोस्ट कर सकता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो करीब साल भर से ये ट्विटर जो अकाउंट है, जो ट्विटर है, लगातार अपने फॉलोअर्स को देखता है कि कौन कौन जो लोग हैं वो लगातार सत्य के आधार पर सूचनाओं को प्रकाशित करते हैं या पोस्ट करते हैं, और उसी का नतीजा ये है कि साल भर से लगातार इस पूरे पेज को वॉच किया जा रहा था, जयपुर रूरल पुलिस के पेज को, और उसी के चलते यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर जयपुर पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें जो ट्विटर के जरिए यहाँ पर ब्लू टैग उनको हासिल हुआ है, जो कि बहुत कम जिलों को यहाँ पर हासिल हुआ है। महज पहला एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे पहले जयपुर रूरल पुलिस को ये ब्लू टैग हासिल हुआ है। शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में ये पूरी सफलता यहाँ पर जो सोशल विंग की जो टीम है हमारे साथ जो बैठी हुई है, रतनदीप जी हैं, देशराज जी हैं, उनके नेतृत्व में ये बड़ी जो सफलता है जयपुर ग्रामीण पुलिस को हाथ लगी है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादवेंद्र शर्मा, A1 TV।